जिसी मर्जी अपना सौरभ लाई लो। विक्की कौशल दे पहला करीना क्या मेरी बाद मेरी तो विक्की लड़ाई हुई। अच्छा ये जो डांसर होते हैं तो जब ये करते हैं थोड़ा दूर होना पड़ता है, भरोसा नहीं होता। उधर भी मैडम ऐसे करके आगे आ रही थी, मैं थोड़ा डर गया था। ओके सो आए, क्या बात है, ये कौन सी मुद्रा ली आपने? पत्नीटॉप जाना सहेली जाना, वो भी नहीं मननी है, पापा कह रहे हैं कि पोचा मारो घर में। ये पहले उधर साबने चेक कर रहा था, अब इसको गिफ्ट मिला खोल भी रहा है, चल खोल ही दे, अब मैं भी देखू है क्या इसमें। साबन को मैं रख लू यहाँ गंदा गाया, मेरी गलती है, क्यों गाया गंदा? मैंने यही चलाना, अब जाओ। प्रैक्टिस हर एक जगह पे एक ही जैसी होती है, बस आप कितना उस पे मेहनत करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है भाई ने। जेपी टिम्बर प्ले, मतलब वर्ड प्ले कितना तगड़ा हो रहा है। जेपी तक दिन दा जेपी टिम्बर स्टेडियम उधमपुर और द बकलोल टीवी ने मिलकर आज उधमपुर में एक बार फिर से आर्टिस्ट मीटअप करवाया, जहां पर उधमपुर के उभरते हुए कलाकार और उभरते हुए सितारों को एक दूसरे से मिलवाया। परफॉर्मेंसेस भी थी, सबने एंजॉय किया। एंजॉय किया बकलोल टीवी, जहां एंजॉयमेंट है वहां सेल्फ प्रमोशन भी जरूरी है। तो सबसे बातचीत करेंगे, सबसे पहले हमारे बीच इस बार पहली बार ऑन द बकलोल टीवी तांत्रिक है। वो कौन से तांत्रिक है, कौन सा फंडा करते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन इनका नाम तांत्रिक है। सर कौन से तांत्रिक हो आप? मैं जनरल कास्ट का तांत्रिक। अच्छा हाँ, मैं मतलब मेरा जनरल कोटा से मैं तांत्रिक बना हूँ। तो मैं सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ कि मुझे आगे पढ़ाया जाए, बड़े शमशान ऊपर जाइए, फांडा फूंडा कर आ उठा जाइए। तो मतलब मेन फ्यूचर उधर ही सेटल करना चाहते हो? मेन उठा के सेटल होना मेरा, ते बाकी सिस्टम चला रहा मेरा बड़ा शैल ही है। कैसे चल रहा है सिस्टम, थोड़ा बताओ विस्तार से। कैसे थोड़ा विस्तार हो जाना, विस्तार हो जाना, बस 2023 मेरी एफडी हो जानी रिन्यू, ते मैं ब्याह कर लेना, आदमी विस्तार हो जाना। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो तांत्रिक जी असली नाम इनका शुभम है, और ये कॉमेडियन बहुत अच्छे, जैसे कि आपको ट्रेलर छोटा सा पता लग गया होगा, जब आपने परफॉर्म किया ना ऐसा लग रहा था कि मतलब लड़की की तलाश में हो आप, बस मिल जाए शादी कली करोगे ऐसा था। मैं आखा तो है, मैं अखबारा पर उड़ियां और एडवर्टाइजमेंट दे 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 बहुत नहीं बनया ही काका। क्या एडवर्टाइजमेंट क्या दिया आपने? या कि ब्योना में, ब्योना में तो नहीं मानना था कोई, ब्योना में मानने की भी कैसे, सिविल इंजीनियर आप, इंजीनियरों की लाइफ में ना मतलब सिंगल ही रहेंगे हमेशा, लकीरां भी रही रही हैं कुड़ियां लिया हैं कहीं दौड़ लकीरों पे ध्यान, ये हाथ पे कुछ लिखा भी हुआ है उन्होंने, हमारा मीटिंग ही मेरी आके दौड़ दौड़ हाथ पे क्या लिखा है ये, हमारा मीटिंग ही मेरी है 5S स्नोफॉल, ये क्या क्या लिखा है? ओ नहीं बरखा बरखा, मेरा मन करता मैं लिखना कि मैं स्नोफॉल च ब्योने जाना है, पत्नीटॉप जाना सहेली जाना, वो भी नहीं मननी है, पापा कह रहे हैं कि पोचा मारो घर में। हम रही है ऐसा टीवी है देखता तारक मेहता, तो मारा दी होनी पोचा गर्म पानी है ना कुदा। तो आप उसकी जिंदगी का तारक मेहता बनना चाहते हो? ओदी जिंदगी का मैं तारा बनना चाहता। अच्छा एक बात सुनाओ, उसको दया बहन बनाओगे या बबीता जी? हाय ओए मेरी जिंदगी जो बबीता गै होनी है, किस गल तुम केस नाम है नहीं सुनाई सकता मैं, तुम्हें नहीं सुनाई सकता, इं भी थोड़ा इं हो जाता सिस्टम। अच्छा भाई की मैंने एक बेस्ट बात, मैंने तारीफ उधर भी की थी, भाई हैं भद्रवाही है, भद्रवाही भी बोलते हो डोगरी, इतनी प्योर इतनी मस्त बोलते हैं सर, प्राउड ऑफ यू। सर एक चीज इसमें मैं कहूंगा कि भद्रवाही या डोगरी, जब अपनी नेटिव लैंग्वेज आप खुद नहीं बोलोगे ना, तो ये जितने मर्जी आप मुशायरे करो या जितना मर्जी करो, अपनी लैंग्वेज नहीं आप बचा सकते, अपनी भाषा नहीं बचा सकते जब तक आप बोलोगे नहीं उस चीज को। तो अधिक से अधिक उसको बोली, मातृभाषा को बोलिए तभी वो बच सकती है, अपने घर में उसको यूज कीजिए, दोस्तों में यूज कीजिए, तभी वो बच सकती है। बाद में आपके पास भी आएंगे हम दोबारा से, लेकिन बाकियों से बातचीत कर लेते हैं। तमन्ना है हमारे साथ, तमन्ना धीमन भाई क्या क्लासिकल डांस किया आपने, मतलब मजा ही आ गया, कहाँ से सीखा? ये मैंने यहीं से उधमपुर से ही सीखा। उधमपुर से ही सीखा, तो कोई बंदा होगा या खुद ही सीखा? नहीं ऑब्वियसली कोई तो होगा। कोई है? जी जी सोनू सर नाम है उनका, मैंने वहीं से सीखा। सोनू वो तो नहीं ना गाना में ना, सोनू मेरी डार्लिंग बचपन का प्यार, वैसा कुछ नहीं, रिस्पेक्टेड सोनू जी होंगे क्योंकि बहुत अच्छा डांस किया आपने। तो देखो म्यूजिक तो हम लगा नहीं सकते, कॉपीराइट इशू आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लटक मटक झटक कुछ हो जाए 5 सेकंड का, तो थोड़ा सा ट्रेलर हो जाए, मतलब मजा आ जाएगा, हो जाए। चलो अच्छा ये जो डांसर होते हैं ना, तो जब ये करते हैं थोड़ा दूर होना पड़ता है, भरोसा नहीं होता। उधर भी मैडम ऐसे करके आगे आ रही थी, मैं थोड़ा डर गया था। ओके सो आए, क्या बात है, ये कौन सी मुद्रा ली आपने?
ये मुद्रा क्लासिकल की स्टाइल है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है ये मैम। आपने व्लॉग में भी देखा होगा पिछले डांस इनका, और साथ ही अनिल जी हैं। अनिल जी ने मतलब मेरे को पता था कोई रियलिटी शो में आ रहे हो और एन टीवी के रियलिटी शो में, सर थोड़ा सा बताओ क्या है वो, थोड़ी सी नया एक रियलिटी शो आ रहा है टीवी पे जो एन टीवी वाले करवा रहे हैं, तो वो एक उसका नाम है इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 2। क्या बात है। तो उसमें मैं अभी फाइनलिस्ट हूँ, अभी रिजल्ट आया नहीं है बाकियों का। फाइनल तक पहुंच गए? हाँ, मेरा फाइनल तक हो गया है। अच्छा, मतलब आपने वो टेलीकास्ट हुआ अभी तक नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है वो, अभी बाकियों के चल रहे हैं ना टॉप 12 के लिए। अच्छा। तो मेरा टॉप 12 में जो परफॉर्मेंस था वहीं से उन्होंने मेरे को एज अ फाइनलिस्ट लिया है। क्या बात है, आपके इंडिया में फर्स्ट लड़का है उधमपुर से जो पूरे इंडिया में फर्स्ट फाइनलिस्ट बना है अभी तक। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए अनिल भाई के लिए यार, ये जोरदार थी, जोरदार ताली हो जाए, ग्रेट। अच्छा तो अनिल भाई, आप मतलब फर्स्ट टाइम मतलब गए होंगे ना मुंबई शुंबई ऐसे रियलिटी शोज वगैरह में गए, तो कैसा लगा, मतलब कुछ नया लगा, कुछ अचंभित वगैरह? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम यहाँ से निकल के जाते हैं तो पहले मेरा जो ऑडिशन था वो देहरादून में था, देहरादून में मैंने क्लियर किया। फाइनल में जज कौन थे? फाइनल में जज थे हमारे एक तो विपुल मेहता सर, हमारे नहीं है वो, तो उनके ही मुंबई वालों के, हमारे नहीं है। विपुल मेहता सर हैं, एक एन टीवी के ही जो प्रोडक्शन हाउस मेहता, वो नकली अक्षय कुमार डांस दीवाने सीजन 2 के विनर हैं। ओके ओके। अच्छा, तो उसके बाद दूसरे आपने नाम सुना ही होगा सलमान खान सर के जो कोरियोग्राफर हैं, बताओ क्या नाम है सलमान सर के? मेरे थोड़ी, मेरे को क्या पता। मुदस्सर खान सर। क्या बात है, ओके। मुदस्सर खान सर जी। चलो बढ़िया है यार, अनिल जी भी हैं, नाम कमा रहे हैं जम्मू कश्मीर का, उधमपुर का, और इसके बाद हमारे साथ अक्षय है और ये सचित है ना जी, जी। एक तो ये दोनों दोस्त है, दोनों इकट्ठे हैं, दोनों गाना गाते हैं। मैं सचित अक्षय में थोड़ा सा फंबल बज रहा था, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने, और सबसे पहले कुछ नहीं, चलो अब थोड़ा सा माहौल बना ही दो, गाना गाई दो। जब तक इनकी गिटार की सेटिंग हो रही है, इधर हमारे साथ पोला डॉन भी है, ये छुपा क्यों रहा है ये, पहले उधर साबने चेक कर रहा था, अब इसको गिफ्ट मिला खोल भी रहा है, चल खोल ही दे, अब मैं भी देखू है क्या इसमें, साबन है। अच्छा, इसको लग रहा है यही साबन पैक करके दे दी हुई है। ताश, 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 ताश नहीं है वे। पर्स, पर्स, क्योंकि उनको पता ना तेरे पास पैसे बहुत ज्यादा आने वाले हैं, 17 के सब्सक्राइबर हुए इसलिए उन्होंने पर्स दिया तेरे को। डब्जू ट्रक पढ़ के हैप्पी भैया जिंदाबाद। हैप्पी भैया कौन? हैप्पी भैया ने डायलॉग बताया ना, ये ट्रक पढ़ के। अच्छा, मैं रख लूं यहाँ मुबाव से ही। किसे गंदा यार, ये गलत कर गया, गंदा गाया, मेरी गलती है, क्यों गाया गंदा? मैंने यही चलाना, अब जाओ। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं, हवाएं ले जाए मुझे कहाँ, हवाएं हवाएं बेगानी है ये बातें, हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ, हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ। ओ ओ, 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 क्या बात है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। तो आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि हवाएं आपको कहीं मतलब ले जाएं, तो कहां जाना चाहोगे पहले आप बताओ? कहीं भी ले जाएं, कहीं भी, घर भी बैठे फिलहाल कब टाइम से। जी उधर शमशान घाट पे बोल रहे हैं जाना, मैंने उधर भी ले जाएं चले साथ में, वहां भी नहीं जाना है, वहां भी नहीं जाना। कहां जाएंगे फिर? घर पे जाएंगे, हवाई ले जाओ, हवाई 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 ले जाओ। चलो बढ़िया है, तो अब अनिल जी से चाहूंगा मैं, क्योंकि अब इतनी ज्यादा तारीफ इनकी कर दी एंड टीवी पे इनका शो भी आने वाला, फाइनलिस्ट भी है, तो सर दो स्टेप ना हो जाए तो फिर मजा नहीं आएगा। जरूर जरूर। क्या बात है, क्या बात है, ये स्टंट, ये पोस्चर बनाना, और मतलब छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बढ़िया, कैसे कर लेते हो ये लचक मचक कैसे? ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सारा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट नॉट वुमन। एक छोटी सी बात बोल दूं? हाँ, लोग बोलते हैं कि हम लोग छोटी जगह से जा रहे हैं मुंबई में, हम जम्मू से जा रहे हैं, कटरा से जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस नहीं मिलती है, बट मैं इनको ये जरूर बोल दूंगा, प्रैक्टिस हर एक जगह पे एक ही जैसी होती है, बस आप कितना उस पर मेहनत करते हो वहाँ पे डिपेंड करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है भाई ने, और शहर भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सारे शहर एक बराबर होते हैं, हमारा जम्मू बहुत बड़ा है ना? बहुत बड़ा है सही। और वापस से मैंने वादा किया था कि तांत्रिक जी के पास वापस आऊंगा, इन्होंने उस दिन मेरे को कुछ बीजेपी बीजेपी कर रहे थे, क्या कह रहे थे आने वाले टाइम पे बीजेपी ही होगा, तो वो क्या मतलब? उधमपुर में बीजेपी आ जाएगी, हो सकता है जम्मू तक भी फैल जाए। कैसे? ऐसे कि बी फॉर बकलोल टीवी, आहा, ते जे फॉर जेपी टिम्बर। क्या बात है, जेपी टिम्बर प्ले, मतलब वर्ड प्ले कितना तगड़ा हो रहा है। तक दिन दा।
नहीं ऐसे बीजेपी से कोई पुराना रिश्ता लग रहा है मेरे को। हाँ मेरी मासी ना मुड़ा बीजेपी है पसंद पार्टी। मैं आखना मैं सारे ना पता मी नहीं पता होंगे इमानशु भरा कोट पोट पाई है सारे मतलब बकलोल टीवी बेस्ट है। ये की ना बात आपने दिल छू लिया। चलो बताई दो ना वैसे बीजेपी में फेवरेट लीडर कौन है आपका? बीजेपी में फेवरेट लीडर वाजपेयी साहब थे और अभी तो हमारे मोदी जी हैं। बढ़िया। स्टेट में कोई मतलब समझो ना स्टेट में बीजेपी का फेवरेट लीडर मैं खुद हूँ। अपना फेवरेट मैं खुद हूँ। जय हो। अपने पैर भी अपशूर है महाराज। मैं तुम्हें केस ना आज सवेरा अपना मत्था टेके जन्ना पास हो जाऊं ना। अरे क्या बात है। मुझे लगा कल एक उसे दिन ही आखना मैं सवेरा तेरा मुंह दिखे था मैं फेल हो गया। क्या मुझे लगा ना ऐसे होता ना सारे बोलते हैं कि मतलब जो प्रधान साहब होते हैं मतलब जो मेन अध्यक्ष जी होते हैं तो वो होने चाहिए ना फेवरेट। यार फेवरेट तो बतेरे ने इया तो मेरा होने वाला सोरा जेड़ा वो मेरा फेवरेट सिंगल होने का बड़ा फायदा यह होंगे कि जिसी मर्जी अपना बनाई लो मन च जिसी मर्जी अपना सोरा बनाई लो। विक्की कौशल से पहला करीना गया मेरी ही बाद मेरी विक्की लड़ाई हुई। उसके बाद कैटरीना ने जो है शादी कर ली। चलो बहुत बढ़िया है। टैलेंट देख रहे हो आप ये हमारे हो धूमपुर का टैलेंट। भले ही तांत्रिक जी हो शुभम जी हो सचित अक्षय हो तमन्ना अनिल हो या फिर पोला डॉन हो सारे के सारे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। एंड जेपी टिम्बर्स के एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहेंगे हम क्योंकि जेपी टिम्बर्स के बदौलत जो है ये इवेंट आज का सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और सारे धूमपुर वासियों को मैं कहना चाहूंगा कि हर महीने हम ऐसे ही जेपी टिम्बर्स की मदद से आर्टिस्ट मीटअप भी करवाएंगे धूमपुर का टैलेंट भी एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अगली मीटअप में हम आपको बुलाएं तो हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते। और जितनी भी धूमपुर की जनता देख रही है जेपी टिम्बर्स में आइए। किचन भी अच्छा सजाते हैं ये सब कुछ अच्छा सजाते हैं और बकलोल टीवी का नाम लोगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो व्हाट आर यू वेयरिंग फॉर साइनिंग ऑफ नाउ कीप वाचिंग द बकलोल टीवी।